तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं खुद की एक वेबसाइट बिल्ड करने की जहां पर आप अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहो, जो ई कॉमर्स वेबसाइट हो, या फिर दूसरी आप पोर्टफोलियो डालना चाहो आपकी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग हो जहां पर, तीसरा या फिर ब्लॉग बनाना चाहो, ब्लॉगिंग करना चाहो और ब्लॉगिंग के थ्रू अर्न करना चाहो, सबसे पहला स्टेप तो अपना ये आता है कि आपको एक वेबसाइट बिल्ड करनी है, उसके बाद ही जाके आप वहां से अर्न कर सकते हो। तो पहला स्टेप है जो अपना वेबसाइट बिल्ड करने का, वो सारा हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। दूसरा, वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊँ कैसे आप उस ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हो। अगर ई कॉमर्स है तो सिंपल आपको प्रोडक्ट सेल करने, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ब्लॉगिंग की बात करें तो वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कैसे आप अपने ब्लॉग से अर्न भी कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले स्टेप आता है वेबसाइट बनाना। वेबसाइट बनाने के लिए कौन सी बेस्ट तरीका है, कैसे आप डोमेन बाय करोगे, कहां से आप होस्टिंग बाय करोगे, कौन सी बाय करनी है, ईजीएस्ट तरीका कैसे है, जिसको जीरो कुछ नॉलेज नहीं है वेबसाइट बिल्ड करने की, वो कैसे कर सकता है, इस चीज़ को मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 10-15 मिनट्स में आप पूरा समझ जाओगे कैसे आपको स्क्रैच से एक वेबसाइट बिल्ड करनी है खुद की। तो हम लोग अपनी सारी चीज़ें, डोमेन से लेकर होस्टिंग से लेकर सारी चीज़ें यहीं पर सेटअप करने वाले हैं, वो है ब्लू होस्ट। ब्लू होस्ट में क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ब्लू होस्ट के सर्वर इंडिया में है सबसे बेस्ट चीज़। अगर आपको नहीं पता, अगर आप बाहर के सर्वर में वेबसाइट अपनी सेटअप करोगे तो जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड होती है, वेबसाइट लोडिंग टाइम होता है, वो थोड़ा सा धीमा हो जाता है, मिनी सेकेंड्स का फर्क पड़ता है, लेकिन वो बहुत होता है। दूसरी चीज़, वर्डप्रेस खुद ही सजेस्ट करता है ब्लू होस्ट को, अगर कि ब्लू होस्ट मतलब नंबर वन सजेस्ट करता है, नंबर वन पे सजेस्ट करता है ब्लू होस्ट की होस्टिंग वर्डप्रेस खुद से, और हम अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पर ही बनाने वाले हैं तो ब्लू होस्ट ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर ब्लू होस्ट के अंदर काफी सारे वर्डप्रेस की वेबसाइट से, वर्डप्रेस बिल्डर हो गया, वर्डप्रेस होस्टिंग हो गया, काफी सारे टाइप के होस्टिंग है। होस्टिंग के अंदर अपनी जो बेसिक होता है, शेयर्ड होस्टिंग आती है, डेडिकेटेड होस्टिंग आती है, एंड वीपीएस होस्टिंग आती है, और डोमेन बाय करना चाहते हो वो कर सकते हो। बाकी वेबसाइट बिल्डर को हम इसको यूज करने वाले अपनी ईजी तरीके से वेबसाइट बिल्ड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें सारी चीजें यही प्रोवाइड करेगा, हमारे लिए काफी सारी चीजें आसान हो जाने वाली है। एक बार देखते हैं, यहाँ से वर्डप्रेस बिल्डर ये आ रहा है न्यू, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अगर हम प्राइसेस देखें तो यहाँ पर 99 रुपीज पर मंथ, 349 रुपीज पर मंथ। अगर ई कॉमर्स वेबसाइट कुछ सेल करना चाहते हो, ई कॉमर्स स्टोर खोलना चाहते हो तो 349 पर मंथ, अगर नहीं तो 99 रुपीज पर मंथ। मुझे ब्लॉग बनाने फिलहाल अभी, तो ब्लॉग क्लिक करेंगे, यहाँ पर यूएसए की जगह इंडिया कर देंगे डेटा सेंटर। इसके साथ एक फ्री डोमेन भी आता है जो आप बाय कर सकते, बाय नहीं मतलब आपको फ्री मिलेगा। तो मैं कोई फ्री डोमेन डाल लेता हूँ अभी के लिए फिलहाल, akshuvarma.net ले लेते हैं। और अगर आप चाहो तो खुद का डोमेन इसमें लगा सकते हो और उसको भी यूज कर सकते हो। जैसे मेरे पास ऑलरेडी अपना डोमेन है akshuvarma.com, चाहो तो मैं इसके अंदर कनेक्ट कर सकता हूँ और उसको यूज कर सकता हूँ। अब फिलहाल मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें फिल करनी है, इसको फिल करता हूँ जल्दी से। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारी पैकेज इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हमें कौन सा प्लान बाय करना है, 3 प्लान टोटल आपके पास, 12 महीने, 66 मंथ या 60 मंथ। हम 12 महीने का प्लान करेंगे, यहाँ पर हमें 159 रुपीज पर मंथ मिलेंगे। कोई बात नहीं, हम फर्स्ट ईयर ट्राई करेंगे, अगर बेटर रहा तो नेक्स्ट ईयर फिर से बढ़ा देंगे। बाकी यहाँ पर दो चीज़ें हमें फ्री मिल रही है, प्राइमरी डोमेन रजिस्ट्रेशन, डोमेन का रजिस्ट्रेशन है वो फ्री है अपने लिए। दूसरी चीज़, SSL सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, HTTPS आता है, जहाँ पर वो ज़्यादा सिक्योर रहता है कंपेयर टू HTTP। ये शायद आपको ना पता हो, पता हो तो फ्री मिल रहा है। बाकी चीज़ें मैं अनचेक कर दूंगा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, टर्न इट ऑफ। अब यहाँ पर अपना जो फाइनल अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 2251 रुपीज़। वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि अभी करंटली ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है इस पर, वैसे 2880 आना था लेकिन 60% ऑफ मिला है ब्लैक फ्राइडे सेल की वजह से, तो बेनिफिट हो गया थोड़ा सा। अब यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं, सबमिट करा, ठीक है। तो हम लोगों ने बाय कर लिया ये प्लान, अब इसमें हम अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रिएट योर वेबसाइट, जो हमारा खुद का डोमेन है उस पर वेबसाइट क्रिएट करनी है, या फिर माइग्रेशन करना है, मतलब आप पे ऑलरेडी कहीं पर वेबसाइट है उसको माइग्रेट करना है, माइग्रेट करके अपने को ब्लू होस्ट प्लान है, तो आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है पूरी, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ें पूछ रहा है, हेल्प चाहिए या फिर थोड़ी हेल्प चाहिए, या फिर हेल्प नहीं चाहिए, सॉरी स्किप दिस स्टेप, इस पर क्लिक करूंगा मैं। अब यहाँ पर चार चीज़ें का ऑप्शन आ रहा है, आपको ब्लॉग बनाना है, ऑनलाइन स्टोर बिल्ड करना है, बिजनेस बनाना है या पोर्टफोलियो बनाना है। मुझे फिलहाल इसमें से ब्लॉग चूज करता हूँ, मुझे ब्लॉग बनाना है अपना, दिखाना है आप लोगों को। ब्लॉग किया, अब हमसे कुछ बेसिक चीज़ें पूछेगा जिसके बाद हमारी वेबसाइट खुद ब खुद तैयार करके दे देगा ये वेबसाइट बिल्डर। अब यहाँ पर आता है व्हाट्स योर साइट अबाउट, हमारी साइट किसके ऊपर है। मेरी साइट है अपना टेक्नोलॉजी, डाल देता हूँ फिलहाल, बाद में चेंजेस कर सकता हूँ मैं। अब मेरी साइट का नाम क्या होगा, मैं अपना नाम डालूंगा akshuvarma। कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करके कोई स्टॉक फुटेज मैं चूज़ कर सकता हूँ या तो अपलोड कर सकता हूँ, इसको चूज़ कर लेता हूँ, कंटिन्यू करा। अब इसके बाद लोगो अपलोड करने को बोल रहा है, मेरे पास कोई लोगो है नहीं फिलहाल, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ की मैं फॉन्ट कौन सा चूज़ करूँ, फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, इनमें से काफ़ी सारे फॉन्ट नज़र आ रहे हैं मुझे, इनमें से कोई एक फॉन्ट चूज़ करूँगा, और मैं ज़्यादातर मोज़रेट चूज़ करता हूँ, तो इसी को चूज़ करके कंटिन्यू करते हैं। थीम क्या होना चाहिए, डार्क थीम या फिर लाइट थीम, मेरे को डार्क पसंद है तो डार्क। उसके बाद ब्रांड कलर्स कौन कौन से, हर किसी ब्रांड के एक पर्टिकुलर कलर होते हैं 2-3। मैं ब्लैक एंड वाइट यूज़ करता हूँ, येलो यूज़ करता हूँ, ये सब कलर यूज़ करता हूँ, तो मैं चूज़ करता हूँ ब्लैक एंड वाइट। पिकर नेविगेशन स्टाइल, ठीक है, इसमें से आप चेक कर सकते हो 5 नेविगेशन स्टाइल, इनमें से कौन सा चूज़ करना चाहते हो। एक अलग अलग टाइप के आ रहे हैं नेविगेशन स्टाइल, ये वाला ज़्यादा क्लीन लग रहा है, ऊपर का हेडर थोड़ा छोटा है, वही मुझे अच्छा लगता है, कंटिन्यू करा। अब इसके बाद कुछ और डिटेल्स मांग रहे हैं, कॉन्टैक्ट इन्फो जो हमारी वेबसाइट पर शो होगा, सब चीज़ें ठीक है, फिट।
फिनिश करते हैं। अब देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसी तैयार होके आती है। तो हमारी वेबसाइट पूरी बन के तैयार हो चुकी है। अब क्विक टूर हमें नहीं चाहिए, स्किप टूर करते हैं। टाइटल वाइटल ये सब चीज़ें यहाँ से मैनेज कर सकते हो। बाकी इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक और अच्छी चीज़ है कि आप काफ़ी सारी चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेंज कर सकते हो। ऐड सेक्शन, यहाँ पे अगर मैं ऐड सेक्शन पे क्लिक करूँगा तो ऐड सेक्शन पे क्लिक करने के बाद मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं चाहूँ तो यहाँ से अपने ऐड कर सकते हो। इस पॉइंट पर अगर मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर, कि मैं यहाँ पर ये वाला पार्ट ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये वाला पार्ट ऐड कर दिया। इसके अलावा मैं नीचे और कुछ पार्ट ऐड करना चाहता हूँ, उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहता हूँ इधर से उधर, इसको नीचे भेजना चाहता हूँ तो इसको नीचे भेज दूंगा, ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। कलर में चेंजेस हो गया, मेन्यू ऐड करना हो गया, फॉन्ट चेंज करना हो गया, ठीक है, ये टाइटल चेंज करना हो गया, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें और आसानी से इससे करी जा सकती है। इसलिए ये बहुत ईजी तरीका है एक वेबसाइट बिल्ड करने का। बाकी अगर आप इसमें और ज़्यादा WP एडमिन में जाना चाहते हो, आपको आती है वो सारी चीज़ें करनी, तो आप यहाँ से अपने WP एडमिन में जा सकते हो। सेव कर दिया जैसे मैंने इसको, सेव एंड एग्जिट, तो यहाँ पर मैं अपने WordPress एडमिन के पेज में आ चुका हूँ। तो फिलहाल हमारी कुछ ऐसी वेबसाइट बिल्ड हो चुकी है, एक बेस मिल चुका है हमको जहाँ से हम आगे शुरुआत कर सकते हैं। अपना यहाँ पर ये मेन पेज वेब, सारी फोटो वोटो सब चेंज हो जाएंगी। एक बार जब मैं क्लिक करूँगा, चीज़ें ऐड करूँगा, सब चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट ऐड करूँगा, सारी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर अपने को स्टार्टिंग पॉइंट मिल चुका है जहां से मैं आगे बढ़ सकता हूं। ये सारी चीजें जो हमने ऐड करी थी, बाकी और चीजें ऐड ऑन कर सकता हूं, कुछ चीजें रिमूव भी कर सकता हूं। तो ऐसे आपको वेबसाइट बिल्ड करनी थी, एक ब्लॉग बिल्ड करना था, और ऐसे ही आपको ई कॉमर्स वेबसाइट, अपना पोर्टफोलियो, अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट सारी बिल्ड करनी थी। बस वहां पर आपको चार ऑप्शन आते थे, जहां पर वहां पर आपको चूज करना था कि आपको किस टाइप की वेबसाइट बिल्ड करनी है। ऐसे बनानी है, ये ब्लूहोस्ट है, ब्लूहोस्ट में अभी ब्लैक फ्राइडे सेल भी चल रही है, अगर आप चूज करना चाहते हो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ब्लैक इसका ब्लूहोस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम आती है तो ब्लूहोस्ट की टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्ट, और डेमो वीडियो, बहुत सारी वीडियोज भी हैं, ट्यूटोरियल वीडियो, आप उनको वॉच भी कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं एक और, कि आप किस किस टाइप की ब्लॉगिंग कर सकते हो। मैं आपको कुछ आइडियाज़ भी देता हूँ, अगर आपके दिमाग में नहीं है, बस आपको इतना पता है कि हाँ मुझे ब्लॉगिंग करनी है, बट ये नहीं पता करना क्या है ब्लॉगिंग। टेक ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा इसमें रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो आप। दूसरी चीज़ आप ट्रैवल ब्लॉगिंग भी होती है, वो भी कर सकते हो। तीसरी चीज़ फैशन ब्लॉगिंग, वो भी कर सकते हो। आप इंटरनेट पर सर्च करो, आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी, जो चीज़ आपको पसंद है उसको चूज़ करो और उसके ऊपर ब्लॉग बनाओ और आर्टिकल्स रैंक कराना स्टार्ट करो। अब अगर आपका एक ब्लॉग है या फिर एक वेबसाइट है तो आप कैसे अर्न कर सकते हो, अपनी वेबसाइट बिल्ड कर लिया, दूसरी चीज़ अर्निंग कैसे हो सकती है इससे। सबसे पहला तरीका और सबसे बेस्ट तरीका, पॉपुलर तरीका, एड नेटवर्क। जब बहुत सारे ऐसे एड नेटवर्क, सबसे पॉपुलर हमारा एडसेंस है, जो हमारी वेबसाइट पर एड देगा और उसके बदले वो हमें पैसे भी देगा, हमारी वेबसाइट पर एड रन होंगे और हमें अर्निंग होगी उससे। एडसेंस से और भी बहुत सारे, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं कुछ, जहां पर आप जाके साइन अप कर सकते हो अगर आपके पास ऑलरेडी एक ब्लॉग है। दूसरा एक बहुत बेस्ट तरीका वो है एफिलिएट मार्केटिंग। बहुत सारे लोग, सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका यही है मेरे लिए, मेरे को पर्सनली यही तरीका बहुत बेस्ट लगता है कि आप अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स को लिस्ट करो या फिर रिव्यू करो या फिर जो भी चीज़ करो और वहाँ पर अपना एफिलिएट लिंक डालो और उसके थ्रू उसको रैंक कराओ और उसके थ्रू बहुत ज़्यादा पैसा कमाओ। इसके अलावा बाकी बेसिक चीज़ें कि अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो और स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। वेबसाइट पर भी स्पॉन्सरशिप ली जाती है, ब्लॉग पर भी स्पॉन्सरशिप ली जाती है, आप किसी कंपनी का कुछ चीज़ प्रमोट कर सकते हो, इसके बदले आप उससे चार्ज कर सकते हो। तो ये कुछ आसान से तरीके हो गए जहाँ से आप ब्लॉगिंग करके अपनी वेबसाइट के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।